राष्ट्रीय लोकदल जनपद हाथरस के जिला अध्यक्ष इरफान मलिक के नेतृत्व में रलोद छात्र सभा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जेई व नीट की परीक्षा को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन SDM हाथरस को सौंपा। इरफान मलिक ने मांग की है कि वैश्विक महामारी COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए सरकार व शिक्षा संस्थानों को जेई व नीट की परीक्षा स्थगित करनी चाहिए, क्योंकि COVID-19 वापस हवा से हवा को प्रदूषित कर रहा है। काफी समय से शिक्षण संस्थान संचालित न होने की वजह से परीक्षार्थियों की तैयारी नहीं हो सकी है। COVID-19 की वजह से यातायात बाधित है। यातायात बाधित होने की वजह से परीक्षार्थियों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परीक्षार्थियों की एकत्रित होने की वजह से COVID-19 फैलने का खतरा अधिक रहेगा। इस मौके पर उपस्थित रलौद नेता आशीष चौधरी, योगेश पुनिया, महिपाल सिंह, मनोज चौधरी, रिंकू खान, आही मलिक, अंकित पुनिया, जयवीर सिंह, प्रदीप चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। जिला हाथरस से अजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।